और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो पहले आपको बताएं, पुतिन ने परमाणु हमले से इनकार कर दिया है। पुतिन की तरफ से कह दिया गया परमाणु हमला नहीं होगा। और ये बेहद अहम खबर है इस वक्त की, नेटो देशों को पुतिन पर लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है पुतिन के इस बयान के बावजूद। ज़ेलेंस्की के सिपाही की तरह हजारों हैं जिनकी जिंदगी युद्ध की चक्की में पिस रही है। दिमित्री अपने बच्चों से मिलना चाहता है, कह रहा है कि वो अपने बच्चों के चेहरे तक भूल। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Главное цель их не взяты Донецкую область, то есть хоть что заработать. Хоть если у них были такие массивные успехи, показать из своей стороны, что он еще сможет. Дмитрий घर जाना चाहता है, तो अलेक्जेंडर को भविष्य की चिंता सता रही है। आगे युद्ध में क्या पड़ा है? अलेक्जेंडर को ठीक से नींद नहीं आ रही, और इस बीच एक सच है जिससे किसी भी वक्त पूरी दुनिया का सामना हो जाए। ये सच इतना भयानक, दर्दनाक और घातक है कि मॉस्को टू वॉशिंगटन डीसी वाया कीव एक डर का आलम है, एक खौफ है। माहौल इस कदर भारी है जैसे कोई बड़ी तबाही आने वाली है। इस तबाही का संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। आज पुतिन के एक एक शब्द को आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का बटन किसी भी वक्त ऑन हो सकता है। बाइडेन और पुतिन बिना लाग लपेट साफ शब्दों में ये बता चुके हैं। Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, это Соединенные Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? В военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. То क्या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ घंटों में ही परमाणु हमला करने की रणनीति पलट दी? क्या अब यूक्रेन को अब इसका डर नहीं कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं? क्या अमेरिका ने मान लिया है कि रूस इस जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या परमाणु बम गिराने के प्रभाव को पुतिन बाइडेन ने समझ लिया है? आखिर माजरा क्या है, क्योंकि दो दिन पहले ही पुतिन परमाणु अभ्यास में शिरकत करते हैं। बाइडेन एलीट सेना को यूरोप रवाना करते हैं, और बस 48 घंटों में पुतिन परमाणु बम गिराने की आशंका सिर्फ अमेरिका की ओर से बता देते हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब समझे इसके पहले पुतिन की परमाणु हमले पर एक और रिएक्शन सुन लीजिए। Сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. सवाल है, फिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आने वाला दशक दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है? क्योंकि अगर परमाणु वॉर की आशंका ही नहीं तो फिर खतरा किसका है? क्या पुतिन परमाणु बम गिराएंगे? पश्चिमी देशों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है। पुतिन के परमाणु वाले पिछले बयान देखें तो इसकी तस्दीक नहीं होती, क्योंकि खुद पुतिन न्यूक्लियर अटैक के ऑप्शन को लेकर अपनी मंशा जता चुके हैं। सवाल है, फिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है? लेकिन आने वाले दिन दुनिया के लिए अच्छे नहीं है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में पुतिन की लड़ाई पश्चिमी देशों और अमेरिका से है। रूस सोवियत रूस के दौर से ही पश्चिमी देशों या अमेरिका का दुश्मन रहा है।
सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला दादा हो गया और दुनिया को मान लिया गया कि वो अब दो ध्रुवीय नहीं, अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गई है, मतलब अमेरिका के सामने अब कोई नहीं। पुतिन ने अपनी पूरी जिंदगी में अमेरिकी सुप्रीमेसी को कभी नहीं माना और नेटो के फैलाव को रोकने की हर संभव कोशिश की है। यूक्रेन जंग भी नेटो के विस्तार पर रोक की कोशिश है। इसीलिए पुतिन ने पहले जेलेंस्की को समझाया, पूछा और जब इस जिद पर अड़े रहे कि वो नेटो का सदस्य बनकर ही दम लेंगे, तो पुतिन ने यूक्रेन को हद बताने के लिए हमला कर दिया। लेकिन ये हमला धीरे धीरे लड़ाई और फिर भीषण लड़ाई में तब्दील हो गया है, क्योंकि यहाँ जमीन पर सिर्फ आमने सामने रूस और यूक्रेन है, लेकिन इन दोनों देशों के पीछे खड़े कई देश हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स और पूरा नेटो है। वहीं रूस के साथ बेलारूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं। मतलब रूस और यूक्रेन सिर्फ दो देश नहीं, अपने अपने कैंप का हिस्सा हैं और इन कैंपों में कई के पास दुनिया को कई बार तबाह कर देने वाला परमाणु हथियार मौजूद है। लेकिन ये परमाणु हथियार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं चला है, लिहाजा इसका डर दिखाकर रूस भी गेम खेल रहा है, अमेरिका भी गेम खेल रहा है और शी जिनपिंग भी खेल रहे हैं। ये सच है कि पुतिन परमाणु बम से ज्यादा इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि यूक्रेन में जेलेंस्की को भगाकर किसी कठपुतली को सिंहासन पर बैठा दिया जाए, जो पुतिन कहें तो नाचे, जो पुतिन कहें तो गाए। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन के इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, इसीलिए पुतिन अब भी वही कह रहे हैं जो युद्ध के पहले कह रहे थे, यूक्रेन का भला रूस ही कर सकता है। Честно говоря, вот сейчас я просто вот о чем подумал. Откровенно говоря, единственным настоящим таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину.